Hello everyone, welcome to Neha's Creativity. Hope you all are doing well. आज मैं आपको कराऊंगी अपने इंडिया के घर का एक क्विक टूर और साथ में दिखाऊंगी अपनी कुछ क्रिएटिविटी. जब मैं शादी के बाद फ्री रहती थी और मैंने उस समय जॉब नहीं ज्वाइन किया था, तो इनिशियल फ्री मंथ्स थे, तो तब मैं काफ़ी बोर होती थी घर पे और मैंने कुछ क्रिएटिविटी की थी. तो तभी मैंने अपना फेसबुक पेज भी बनाया था नेहास क्रिएटिविटी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी इसीलिए नेहास क्रिएटिविटी है. तो वही मैं आपको दिखाऊंगी अपने क्विक होम टूर के साथ. और ये वीडियो मैंने दिवाली पर शूट किया था, तो इसमें आपको दिवाली की भी थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दिखाई देंगी. तो चलिए देखते हैं जल्दी से मेरा इंडिया वाले घर. तो ये है हमारे घर की एंट्रेंस और हमारा जो घर है वो फोर्थ फ्लोर पर है. तो दिवाली पर मैंने ये रंगोली बनाई थी, तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ. तो जैसे ही हम लोग घर में एंटर करते हैं तो हमारा लिविंग रूम आता है और यहाँ पे राइट साइड में सोफ़ा कम बेड है. तो उसके ऊपर मैंने ऐसे चार्ट पेपर पर फ्लावर बनाए थे, फिर उनको कटिंग करके पेंट किया था और यहाँ पे स्टिक किया था. तो इतने टाइम से लगे हुए थे लेकिन इस बार अनवित ने आके काफ़ी फाड़ाफाड़ी की है तो बिगड़ गया, तो इसका लुक कुछ ऐसा लगता है. और इसके ऑपोजिट साइड ही हमारा शूरैक रखा हुआ है. तो शूरैक के ऊपर भी मेरी काफ़ी सारी क्राफ्ट करी हुई चीज़ें रखी हैं, जैसे पोर्ट मैंने पेंट किए थे तो वो रखे हुए हैं. तो इन सब का एक अपना अलग प्लेस था लेकिन अभी अनवित के वजह से सब ऐसे उठा के रख दिए हैं. तो ऐसे मैंने ये बोतल और ये पोर्ट पेंट किए थे उस समय. तो शूरैक के पास ही ये एक क्ले पॉट है जिसको मैंने पेंट किया था और उसके ऊपर सुंदर सुंदर स्टड लगाए थे, तो वो स्टड तो अभी उतर गए हैं सब. तो पूरा यहाँ पे ऐसे रेड कलर के लगाए थे, तो उस समय जब बनाया था तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था. और इसका जो टॉप है यहाँ पे मैंने मोती का काम किया था लेकिन अभी 5 ईयर हो गए तो सब उतर गया है. तो ऐसे जो दोनों सोफे के कॉर्नर हैं तो उनके बीच में ये वाले पोर्ट रखे हैं, तो ये भी मैंने ही पेंट किए हैं. तो इनको भी अभी अनवित की नज़रों से बचा के थोड़ा इधर रखा हुआ है, वरना इनका प्लेस भी अलग ही था. तो उस समय अनवित नहीं था तो सब कुछ सेफ रहता था, तो अभी अनवित की नज़रों से बचा के सब दूर दूर रखना पड़ता है. तो ऐसे सोफे के ऊपर जो वॉल है यहाँ पे मैंने ये ब्लैक पेंट से पूरा एक ट्री ऐसे पेंट किया था और इसके ऊपर मैंने पेपर कटिंग करके फ्लावर बनाए थे सुंदर सुंदर, तो वो लगाए थे. और यहाँ से राइट में जाते हैं तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया की जो वॉल है तो मैंने उस पर ये ऐसे लैम्प पेंट किया था. तो देखने वाले बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको लगता है ये एक्चुअल में ही लैम्प है. और सोफे के ऑपोजिट ये ऐसे टीवी लगा हुआ है, तो ऐसे लगता है हमारा लिविंग रूम. और टॉप पे ये ऐसे मैंने लाइट्स ली थी, पुणे का एक प्लेस है लाइट्स का वहाँ से. और डाइनिंग टेबल को मैंने उस दिन ऐसे डेकोरेट किया था, तो वो आपने मेरे दिवाली वाले व्लॉग में देखा होगा. और ये मैंने एक कैंडल होल्डर बनाया था पेंट करके. और डाइनिंग टेबल के राइट में ही किचन है, तो वो आपने मेरे इंडिया वाले व्लॉग्स में देखा होगा. डाइनिंग टेबल के राइट से जाएंगे तो वहाँ पे लेफ्ट में पड़ता है ये पूजा रूम और गेस्ट रूम, कुछ भी कह लीजिए इसको. तो ये दिवाली का ही डेकोरेशन है. तो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो राइट में हमारी वॉश बेसिन है और बाथरूम है. तो उसके बाहर मैंने ऐसे ये वाला एक ट्री डिज़ाइन किया था जिसमें मैंने एक ऐसे केस बनाया था और उसके अंदर 2 बर्ड बिठाई थी, तो ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है. तो ये जो आपको डोर दिखाई दे रहा है बाथरूम का डोर है. और
और ये है मम्मी पापा का रूम, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा साड़ी को, क्योंकि मम्मी ने चेंज कर चुकी थी। और ये है बेड के पीछे की वॉल जहाँ पे मैंने मधुबनी पेंटिंग्स बनाई थी। तो ये ऐसे दो पेंटिंग मैंने बनाई हैं मधुबनी, और बहुत ही सुंदर लगती हैं, जो भी आता है बहुत तारीफ करता है। और ये वाले रूम का जो एंट्रेंस डोर है, तो उस पर मैंने ऐसे गणपति पेंट किए थे और इन पे सब पे स्टड्स लगाए थे, लेकिन वो अभी उतर गए हैं। और ये है हमारा बेडरूम, तो ये तो आपने मेरी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। तो बेड के जो राइट साइड है, तो उस वाली वॉल पे मैंने ऐसे ट्री बनाया था और नीचे ऐसे डिज़ाइन किया था, तो ये सब मैंने पेपर कटिंग से किया था। और इसका जो ऑपोजिट वॉल है, तो उस पर ड्रेसिंग टेबल के पास मैंने ये ऐसे एक लेडी पेंट की थी। और इसके जो साइड है, यहाँ पे मैंने ऐसे फ्लावर मतलब पेपर कटिंग करके फ्लावर बनाया था और उनको अरेंज किया था। तो ऐसे इसका जो रूम का डोर है, वहाँ पे मैंने ऐसे गणपति पेंट किए थे डोर पे। और ये हैं मेरी कुछ पेंटिंग्स जो मैं फ्री टाइम में करती थी, तो ये मैंने कैनवास पैड पे बनाई है एक्रेलिक पेंट से। तो ऐसे तीन पेंटिंग्स हैं। ये वाली पेंटिंग मैंने ड्रॉ की, लेकिन इसको पेंट करने का टाइम नहीं मिला। और ये वाली जो पेंटिंग है, ये मैंने अपनी एक फ्रेंड की पेंटिंग देखकर बनाई थी। मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है रश्मि, तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स करती है, तो और मुझे भी पेंटिंग्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी मैंने पेंटिंग देखी और कॉपी करना चाहा, लेकिन मैं उतना ज़्यादा कॉपी नहीं कर पाई। तो ये था मेरे घर का एक स्मॉल सा टूर, तो उतना कुछ डिटेल होम टूर नहीं है। तो मोर ओवर मैं आपको अपना क्रिएटिविटी दिखाना चाहती थी कि मैं अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करती थी। और एक्चुअली होम टूर मैंने इसलिए थोड़ा दिखाया कि मैं आपको दिखा सकूं मैंने कहाँ पे क्या क्या पेंटिंग और क्या क्या लगाया है। तो मैंने अभी आपको डिटेल होम टूर इसलिए नहीं कराया क्योंकि घर का अभी एज सच कुछ इंटीरियर नहीं हुआ है। तो जब हम लोग इंडिया मूव होंगे, तो तभी घर का इंटीरियर कराएंगे और मैं वापस अपने घर का आपको एक होम टूर कराऊंगी जब से सब चीज़ें अच्छे से अरेंज हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे घर का एक होम टूर और मेरी क्रिएटिविटी का। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।